अटल इंटरप्राइजेस के तत्वावधान में बनखेड़ी के दशहरा मैदान में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप सिंह और क्षेत्रीय विधायक ठाकुर दास नागवंशी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत शानदार एक आयोजन और उसके उद्घाटन का अवसर। हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक आदरणीय ठाकुर दास नागवंशी जी, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिशंकर जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, आयोजन समिति के हमारे सभी सम्मानीय साथी, पत्रकार मित्र, उपस्थित वरिष्ठ जन, नौजवान मित्रों और इस प्रतियोगिता में शामिल होने आई हमारी दोनों टीमें, एक गाडरवारा की और एक बनखेड़ी प्रॉपर की, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और एक श्रेष्ठ आयोजन के लिए। भूत के पांव पालने में दिखते हैं, अभी समझ में आ रहा है यहाँ क्या होने वाला है अगले हफ्ते। दर्शकों को जो आनंद मिलना है, एक श्रेष्ठ क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आनंद मिलना है, वो हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छी टीमें आने वाली है और मुझे लगता है कि एक बेहतर। चूंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, केवल हमने वीडियोस देखे हैं, सुना है, आप जैसा बता रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटनाएं बचाई जानी चाहिए थी, बचाई जा सकती थी, लेकिन ये घटना हुई है, इसलिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और दोनों तरफ लोगों को चोटें आई हैं। ये दुखद विषय है, जांच का विषय है। हालांकि वसूली का क्या तरीका होना चाहिए, ये भी उस पर भी कहीं ना कहीं हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है। और हमारा बिल पेंडिंग ना हो, ये भी हमारे लिए सजगता से इस पर आदमी को तैयार रहना चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से पेंडेंसी ना हो, उसको समय पर हम देते रहें। लेकिन ये पूरा कुल मिला के जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ों को बचाया जाना चाहिए। सर, किसान चिंतित हैं आगामी इस तरह की कार्रवाई, मतलब इस तरह स्वाभाविक रूप से किसानों के साथ साथ हमारी चिंता का विषय भी है। हमारे संसदीय क्षेत्र में, भैया के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है, स्वाभाविक रूप से हम जनसेवक होने के नाते हमारे लिए चिंता का विषय है। और ये आगे इस तरह की घटनाएँ ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन से भी हम लोग लगातार उस दिन से संपर्क में हैं और जो हमारे समाज के बीच में काम करने वाले प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। ये चीज़ें टाली जानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।